सबसे पहले तो दोनों आपकी सब की तरफ से और मारी तरफ से गुरु महाराज जी का चरणाम खूब कोटि कोटि नमन, खूब कोटि कोटि नमन। आज से लगभग 92 वर्ष पहले गुरु महाराज जी एक बहुत गरीब परिवार में जन्म लिए और उनके बाद जो है ने लगभग आज अपने खांडवा आश्रम में 69 साल हो गई स्थापना हुए। उठे खूब तपस्या करी, भक्तों का हृदय में बहुत परिवर्तन लाया, जी के दिखाए अच्छो जीवन। और पूरे भी जो ने 1988 में स्थापना हुई, तो लगभग 35 वर्ष हो गए और 30-31 साल हमने गुरु देता हुआ। यो तो काल चक्र है, यो चाल तो रहा है। काल चक्र परमात्मा को ऐसा ही तरीका से बनाया है, आपको उनका में परिवर्तन को नहीं आ सके, वो तो चाल तो रहोगे। आपने मन के कोई प्रतिकूल हो जावे ने तो वो उन बुरु समय मान लिया है, और आपने मन का अनुकूल हो जावे तो उन्होंने मान लिया है बहुत अच्छे समय। समय सारा परमात्मा का है, अपना कर्म बस जो है ने कोई छोटी मोटी कोई बात हो जावे तो उन्होंने यो जीवन सुधारने के लिए एक मौको दियो है। गुरु महाराज जी अपन शरण में यह बात लिया, अब महाराज जी उनमें अब परिवर्तन हो जावे, उनकी शरण संपन्नता के बराबर कोई भी योग को नहीं। भक्ति योग, ज्ञान योग, जो ना तपस्या, सब सब योग हैं, पर उनके साथ एक समर्पण योग ऐसो है, आगे उनके में घड़ी शर्त लागू को नहीं। जैसा हाँ परमात्मा का हाँ, और या 100% निश्चित कर लो अब परमात्मा है, एम कोई भी मतलब जो है ना कोई शंका मत रखो, परमात्मा को नहीं, आप कठे को नहीं। या जब तक भावना रहने तब तक थोड़ी सी जो है पूर्ण रूप से समर्पणता में दिक्कत आवे। गुरु महाराज जी जैसा उदाहरण दे के समझानिया, उनका जैसा जो ने जीवन जी के समझानिया, उनका जैसा जो ने जीवन का तरीका बतानिया, और कोई संत तन बड़े मिलेगा लोग उन्हें हमेशा जो है ना हमेशा सबको ही हित चिंतन करो, या राखी को नहीं, कोई भेद की दृष्टि जब तक रहने तब तक परमात्मा से दूरी बनी रहे। भेद की दृष्टि खत्म होते ही परमात्मा एकदम नजदीक सामर्थ्य मिलो, पर और जगह तो क्यों है अक भेद आदमी को चल जावे, पर परमात्मा की दृष्टि में जो है ना थोड़ो घणो भी जो सारा संसार ने अपने गुरु महाराज जी को मूल जो उद्देश्य थो उस सब में परमात्मा देखता। उनके या कौन थी कि वो पेड़ पौधो है कि वो दोनों पशु पक्षी है कि या दोनों कोई आनिया दानिया है, ये छोटा है कि ये बड़ा है, कि ये स्त्री है कि ये पुरुष है, ये पढ़ा लिखा है या बिना पढ़ा लिखा है, या जो है ये कोई और कोई दूसरा रूप से है, या दृष्टि उनकी ठीक है। उनकी दृष्टि में ये था अगर जो भी परमात्मा ने प्राप्त करे वो सबसे पहले ऐ चीज ने मिटा, और बहुत ऐसा उदाहरण देता है जो सारा संसार महसूस कर सके। एक बार तो जो है ऐ को उदाहरण दियो भेदभाव मिटाना, आप बोले भाई जो जो परमात्मा का नजदीक जाए ना जो जो भेदभाव मिट तो जाओ है। और फिर उदाहरण दियो ने बोला जो ने हवाई जहाज जाओ है ना, हवाई जहाज उनकी यात्रा करनी आदमी सबसे पहले छोटी स्टेज पर चल रहे ना तो उन सब जो है नारा नारा वे दिखे, यो पीपल को पेड़ है, यो जो शीशम को है, जाटी को है, यो जो नीम को है, थोड़ा और ऊपर चले जा तो वो फिर वो भी खत्म हो जाए, फिर पास जो है वो फिर पास भेदभाव मिट तो फिर लास्ट में जब पूर्ण ऊंचाई पर चले जाए ना तो ये खेतर क्यारी जो डंडा डोला लगा रखा है ना ये तो दिखे छोटी छोटी क्यारी, और ये पेड़ पौधा जितना भी है ना सारो यूं दिखेगा हरियो हरियो है। उठे भेदभाव को लेकर सब यह चीज यह है, यह चीज यह है, यह चीज यह है। अहिया परमात्मा की एक यात्रा है, परमात्मा के नजदीक जो जो पूछोगा ना जो जो भेदभाव खत्म होता चले जाऊंगा।
बहुत संता की जो है पुस्तक पढ़ने काम पढ़े बहुत संता को सानिध्य मिलो, गुरु जी का सानिध्य में भी बहुत रहा। और गुरु जी जैसी सरलता हित चिंतन है ने दूसरी जगह बहुत खोजना पर मिले, बहुत खोजना और उनके बराबर तुलना करी जाए ना जब फिर पास पल्लो झुक जाओ है जै तोल करे जाए ना तोल करे जा तो जो है जब तक जो भारी है ना वो नीचे झुक जाओ। ऐसा करना नहीं चाहिए या भेद दृष्टि भी खत्म हो जानी चाहिए, पर फिर भी जो है ना जन के सामीप्य में रहा, जन के नजदीक रहा, जन का सानिध्य में रहा, उनके प्रति जब विचार आए हैं तो बस बता कौन सा कैसे कैसे उन्होंने व्यवस्था चला रखी है, कैसे कैसे जो है ना सबको जो है दिमाग ने मोड़ रखे है, कैसे कैसे करने सुख शांति दे रखी है, उनकी मायने वही जान सके आप तो कल्पना मात्र कर सका। तो आज उनको जन्मदिन है ना तो ये कल्पना में आप खूब लाभ ले एकदम समर्पित हो जाओ और अण जैसा क्षमाशील कोई आदमी मिलेगा नहीं, बड़ा से बड़ा अपराध करके भी आगे निष्कपटता से कह देना महाराज जी मेरे से दिया बोल होगी तो बहुत ऐसा भक्तों का जो है ना मार्ग में बहुत उदाहरण है। मारा भी मारा तो दुनिया भर का है, हम तो हाँ इंसान तो हम जरूर गलती का पुतला ही हाँ, और कितनी गलतियां कर दी उनके सामने भी बाद में भी आज भी हो रही आगे भी कोई हो जाऊंगी, पर वो माफ करके जो है वही सुधार करने की मौका दिया। बहुत तेज कहीं से अपराध हो जाता तो एक बार ही धमकाता आयदा ऐसा मत करिए भला या काम योग इतनी बड़ी गलती हो जाओ तो बहुत ध्यान रखना चाहिए, वो आयदा ऐसा मत करिए आयू कह के माफ कर दिया। 1965 जब मारो जन्म भी को नहीं हुए एक भगत जो है ना उसे कोई भूल होगी, भूल कहीं से भी हो जाओ तो कई दिन तक आश्रम को नहीं आए और फिर एक पत्र लिखे हो वो पत्र मार्ग मौजूद थो, अब तो पता ना है कौन कट है कोई कोई उनको थेलो थो थेला के अंदर वो पत्र लिखे निकलो तो वो मैं धरोहर का रूप में उन्हें रख लिया उन भगत को पत्र लिखे उन्होंने आपकी जो ना सारी बात देखी अगर अहिया यो अपराध मेरे से महाराज जी हो गये और अब मैं तार से आमने सामने बात कौन कर सकूं, तो मैंने जो है ना यो पत्र लिख दियो क्षमा करियो, अब उन के क्षमा करे और के तरीको करे यो मैंने पतो को नहीं, पर उनमें जब भी मेरा जीवन में जो है फिर मारो जन्म भी हुए बड़ा भी हुआ महाराज जी की शरण माया जब भी देखता तो जो है वो जजम का अगला कुणा में बैठे पाऊ तो कते महाराज जी का श्री मुख से एकांत में उनका रह लिया भक्ता में भी रह लिया उनका प्रवचन में सुन लिया बट उनका अपराध को कदे वर्णन को नहीं करो भाई तैया गड़बड़ कर दी तू तो बैठने लायक ही को नहीं, इतना क्षमाशील मिलेगा को कितनी भी बड़ी भूल हो जाओ पर बात से भारी खुश हो तक दोबारा बोलना हो आज फिर क्षमा मांग ली तड़के फिर भूल कर दी आज क्षमा मांग ली तड़के फिर भूल कर दी ऐ पद्धति से राजी को नहीं। तो आज जो है ना इतनी सुख शांति की व्यवस्था, इतनी जो है ना दिमाग की व्यवस्था, इतनी जो है ना वो समाज की व्यवस्था, इतनी घर परिवार की व्यवस्था, इतनी आश्रम की व्यवस्था, इतनी गौशाला की व्यवस्था उन्हें जो चारा की बता कौन सका। एक जो है ना एक दिन एक चौपाई सुनाई गुरु महाराज जी कई बार मतलब ऐसी ऐसी वो सुनाता तो उन्हें चौपाई सुनाई आगे जब काक भूषण जी जो है लोमो श्री सिकंद चला गया और चला गया तो वह जो है सगुण उपासना की जो है बार 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 वो ही वो करे वह कहें कि निर्गुण सगुण दो को नहीं एक ही तो है, बहुत समझाने की कोशिश करी पर उनका जिद यह ही रही कि मन ने तो जो है ना तभी बस सगुण की उपासना बता दे उनका जो है बचपन की बाल लीलाओं को वो वर्णन सुनो वो मन बहुत अच्छा लगे तो महात्मा जी जो है राजी रहे इतने राजी नहीं एक मिनट ही कौन लगाऊं फिर तुरंत जो है ना कहीं बोले पक्षियां में चांडाल को हो जाए तो कहीं पर विश्वास को नहीं करे तो भी कोई दीनता कोई ऐसी कोई परेशानी को नहीं आई वो जो है वो ही प्रसन्नता हमने बोले महाराज मैंने चक्की भी बना दी पर मन तो जो है यो ही अच्छा लगे
तो उन गरुड़ जी प्रश्न करे बोले तो कागलो बन गोर फिर पशु बाद में जाने बोले मेरे गुरु जी को वरदान है तो इतना अच्छे लगे बोले मैंने साथ वरदान दे दिया तो अच्छा लगे मन कुआ को शरीर ही अच्छा लगे तुमने कुआ का शरीर में कहीं तो उन्हें कही सुनो खगेश खगेश नाम है पक्षियां लगा जाए ऋषि काउ न दूषण वो महात्मा को कोई दोष को नहीं उर प्रेरक रघुवंश विभूषण सब कर हृदय में प्रेरणा करनी वही है मैंने एक सेकंड में वरदान दे दियो अगर चार कोस तक एक योजन में चार कोस तक जठे जितनी दूर में रह गो इतना भगवान की माया व्यापी बन गई और रात दिन जो है भगवान की कथा करते रहे आज भी चादरी उनकी कथा और शंकर भगवान तो या मैं भी एक बार जो है हंस को रूप करके मुंह की कथा सुनी है पार्वती ने बताई है मैं उठे जाके जो है एक हंस को रूप बना के मैं भी जो उठे वो करी कथा सुनी तो बोले महाराज इतनी सुंदर कथा काग लगा मुंह सरता में शंकर भगवान मेरे भगवान का वर्णन है ना वह छोटो बड़ो आज ही को नहीं और गुरु महाराज जो ने दो सुनाता आगे जो ना उत्तम विद्या लीजिए उत्तम विद्या लीजिए यद्यपि नीच पर हो पढ़ो अपावन ठोर मर कंचन तजैन को अच्छी बात कठिया से भी ले न्यू मत मानोगे छोटो ही बड़ो ही के समझाओ वो करे पर यो अहम है ने यो अच्छी बात की कोई जो ने बड़ो आदमी कहूंगी को जैसे यो कार्य को है ने के बिरे ना ये अपनी भूल है अच्छी बात कठिया से भी उपजाओ ये तो दिमाग में मत रखो ऐसे भेद दृष्टि बढ़ेगी फिर भेद दृष्टि आईने आदमी को मन असंतुलित हो जाए अब आप खूब आराम से बैठे हैं सारा महाराज जी को दोनों खूब चिंतन कर रहे हैं को जन्मदिन मना रहे हैं एकदम प्रसन्नता से बैठे हैं कितना सुंदर माहौल दे रखे है कठे कठे दोनों खुला गया कठे कठे दोनों व्यवस्था आ गई कहीं कहीं हमने सजा दिया कहीं कहीं दोनों पट्टा पानी ले रहा यही का मूल स्रोत तो गुरु महाराज जी तो है कल ही जो है एक शाम के टाइम पर एक महात्मा से बात हुई तो बात हुई तो जो है जन्मदिन के बारे में बात करी मेरे के बताओ महाराज तुम्हारा टाबर जो है लिया के ही है गुब्बारा गुब्बारा लिया हूं सारा वह कर दिया पाछा जो जय बोले ने तो वह टावर यूं बाट देख वो ग्रहण ने उठा ली चाला तो 10 मिनट में सारा तोड़ फोड़ वो कर जो ने वो को भाई के बताऊंगा पर आदमी थोड़ा सो खुद संयम में रहने उस संयम को पूरा परिवार पर प्रभाव पड़े सारा समाज पर प्रभाव पड़े गुरु महाराज जी का जीवन का बारे में थोड़ी कल्पना करके देखो कितना कितना परेशानियां जो संसारी कितना कितना कष्ट कितने कितने देखता है वो सामना करे हो और मन में भाई जो ना चेहरा पर भाई मुस्का हंसता रहे पर यहाँ हंसी बार की को नहीं आवे बनावट से थोड़ी देर हंस ले पाछे जो ना बीतली बात आऊंगी ना तो सूल मुंह में ना रह को नहीं उन्हें तो भूलिया आओ कर अरे एक जो बहुत मूल रूप में जो है हमारे दिमाग में सुबह सुबह आई भैया है अकापन कोई है को नहीं आप कितने भी कोशिश कर लो न्यू मान रखना अपना मान रखे कोई नहीं है अपनों तो जैसे ने जैसे ही उनको स्वार्थ दूर हटे हो अपना हम एक मिनट में जो दूर कर दी आज या कितनी बड़ी गंदी परंपरा चल गई अगूटो कोई काम को ना तो गिरे हो जो प्रशासन में गिरे उनके को नहीं करो आपकी जवान अवस्था सब काम अच्छा करया पर उनको बरगर का से स्वार्थ भाव जो है वह मिट्टी को नहीं और फिर वह ज्ञान दी दुनिया भर को वो ज्ञान सुना ही को नहीं चुपचाप आराम से अच्छो जीवन जी के जो है अपनी रोटी खा के भगवान को नाम लेके परिवार में जो है आराम से संबंध बढ़ाए रखो एक बहुत बड़ी समस्या बुजुर्गों की नई पीढ़ी की बहुत बड़ी समस्या बुजुर्ग तो जवान तो यह सोचे से अब जो नहीं भी हो बुढ़ो रोटी खा रहा आराम करे और बुढ़ ये सोचे ही अगर काम ने कभी बिगाड़ दी आप जताए रखा है
आपा जठानिया कौन नहीं, जठानिया तो वो सबको परमपिता परमात्मा है। आज व्यवस्थापक बन जाओ, एक मिनट में बेचैनी हो जाए, यो फूल इनने क्यों लाग गो, यो तो नहीं न्यू क्यों कर दियो, ये न्यू क्यों कर दियो, ये बाहर ने क्यों बैठ गया, भीतर क्यों बैठ गया, इतना आदमी क्यों आया, इतना जोन कहीं नुआवा गए, रोटी खुआ गए, चिंता है चिंता है चिंता। एक उदाहरण हमने जो एक माता जी बता के गई महाराज जी चप्पल छूट जाए जूती कौन कठवा हो, या थोड़ा दिन पहले घटना है, रोटी को नहीं आओ, रोटी को नहीं भाव, नींद को नहीं आओ, क्यों बोले भाई चमदान कौन कठवा हो, अरे को बेटो कहे माँ दस जोड़ी ले आ जाऊंगा तो चिंता क्यों करे, बोले मेरे दिमाग से निकले ही को नहीं, ब्याह कतना करेगा को जो घर में भैंस बह जाए तुमको यो कतना करेगा, खेत में यो कतना करेगा, बिना बात की चिंता। और वो बेचैनी से बहुत बड़ी दिक्कत, और यो करो ने अगर भगवान सबका मालिक है वो सब व्यवस्था करेगा, एक मिनट में संतोष हो जाए, पर वो जो ना उरे उरे तो करनी है घर जाता है जो ना वही की परिस्थिति दिखे संतोष तो हो को नहीं। बहुत टाइम लंबा टाइम तक सत्संग हो, बहुत लंबा टाइम तक उनका सानिध्य में रह जा, भगवान का विश्वास पर जी हो जाने तो फिर प्रैक्टिकल हो। अरे या ताने 100% बतावा हाँ गुरु जी कहीं को ऐहित होन कौन दी, जो उनके शरण में चले हुए ना बिल्कुल को नहीं होने, ऐसा ऐसा उदाहरण देता हुए आगे जो मतलब सब पर लागू होता। एक बार उदाहरण दी बोले जो ने एक नदी से जो है नाव में बैठ के 50-60 जना और उन पार उन खातर आगे सब टिकट ले लेके बैठ गए, एक पति पत्नी भी बैठ गए, वह बैठ के साहब जो ने और चलन लग गया, जो रास्ता में वो नाविक बोल लो जो ने आग भाई भवन में आ गई है नाव, अरे अपना अपना इष्ट ने याद करो, अब अहिया की बात हो जाए तो सारी कोई सवामणीर कोई दोनों कोई हनुमान जीर कोई भगवान और बजरंग बली और शंकर भगवान जय को जो इष्ट है वो सब न समर्पित हो गए कर, बहुत आदमी तो दौड़िया बाबा एक तो तारा ही हाथ में ले आए तावड़ो से बनी कैसे एकदम चारी तरफ सच्चा गिर जाए ने जद करे ने कोई अपने बुद्धि दिमाग में कोई काम ना करे तो जियो ही सारो रहे, तो वो सब पत्नी घबरा के भोजन वो करीर वो आपको पति को पति बैठे बैठे हंस हंस से पत्नी बैठे तमने ये 50-60 आदमी कितना बेचैन हो रहा है तमी हंस रहे हो, तो लोग मैं बात पर हंस रहे हो भगवान जो है ना यही तो उनको दे आर उन है हित वो करनी हो तो फिर पाप बचानी हो कौन है तेरा विश्वास को नहीं, बोले विश्वास तो मेरे से बट बोले तमी ऐसी परिस्थिति में एक सेकंड को कोई विश्वास को नहीं, बोले है पर फिर भी मेरे दिमाग में है आगे नावों का हाथ में है वो कद टेलो लगा दे कद जो ना बहुत संकट दे के व्यवस्था कर दे सोच भी कौन सका, बोले तन उल्टी बात चल वो करे जब वो की थैला में जो है वो थो पिस्तौल थो वो निकाल के आरू के दोनों कटपटी में लगा दी और फिर भी हाँ श्री नहीं नहीं क्यों तेरा दिखा कौन मौत ने एक सेकंड में बटन दबे और तेरी खोपड़ी उड़ी, उन्होंने बोलो कि यार तो देखो खोपड़ी तो उड़े बढ़िया हाथ में कह गए है मेरे विश्वास है मेरे पति मन मारी बन सके, तो बोले जो परमात्मा है वो सारा संसार को पति है प्राण पति है वो थोड़ी मार सकेगा ऐले आंसर हमें, तो या तो विश्वास के ऊपर संसार जट रहे आज आप जो है गुरु महाराज जी के ऊपर एकदम समर्पित हो गया उनका चरणाम जो है यही प्रार्थना करा, या प्रार्थना मत कर लियो अगर जो है भोजन या जो है कोई परिवार या जो है कोई और कोई खेती बाड़ी कोई नौकरी सर्विस एक बेटा पोता की वो जो है वो तो परमात्मा करेगा निश्चित है, आपने तो यही मान लिया अगर हमने तारी शरण में रखो मारा दिमाग में संसार की उलझन है वो खत्म कर दो। गुरु महाराज जी एक दिन बताए बोले जो है सद्बुद्धि ही मांगनी चाहिए परमात्मा से, सद्बुद्धि आ गई तो सब कुछ आ गया। अब एक आदमी ने दोनों का भाग्य बस 100 रुपया दे दिया और वो रात दिन प्रार्थना करके भगवान से 100 रुपया लिया और सद्बुद्धि को नहीं हो तो ठेका पर चले जा,
आप बेचैन, 100 रुपया गया वह खराब गया, सबसे लड़ाई करने लग गया और क्यों कर ले, क्यों सद्बुद्धि को नहीं? 100 रुपया तो है पर सद्बुद्धि को नहीं। सद्बुद्धि मांग ली तो सब कुछ आ गए, कोई भी चीज बाकी को नहीं बची। तो बहुत आराम से जो है उनका चरणा में आज प्रार्थना करण को खूब बढ़िया से बहुत दूर दूर से लोग चल के आए, सिर्फ है ले धन परिवार घर की कोई समस्या नहीं उनके सामने, सब चाहिए की मौज है, आराम से जी रहे हैं, पर है ले आ गुरु महाराज जी का चरणा मारो मन लग गया, गुरु महाराज जी मार पर राजी हुए, गुरु महाराज जी जो है मार पर खूब कृपा करें, पहले बाग क्या है बाब, बहुत आराम से उनका चरणा प्रार्थना करोगा। वह तो सुने तो हमेशा ही है पर आज विशेष सुनेगा, आगाम न बस या मन की उलझन मिटा दो और तारे सरनाम राख की सद्बुद्धि दे दो, सब कुछ आ गया। और यह स्थान बताऊं अगर तमिल 150 आदमी जितना भी 100 बैठा होने तो 100 का 100 मान दोगा ना तो 100 कर दो सुधरेगा, बोला काम तन्ने को दिखे अपन बिगाड़ रखे नहीं, क्यों छड़ा वो था बुद्धि दिमाग सारो लगा दे कर सुधारना, बुद्धि दिमाग जितनों भी है ने वो परमात्मा में लागू चाहिए, पहले तो दियो है पर वो तो घर सुधारण में, बेटा पोता ने सुधारण में, परिवार सुधारण में, पड़ोसी सुधारण में और जो बैठनी उठनी सुधारण में लगा दें सारो, इन्हें न्यू सुधार दें, न्यू सुधार दें, आप सुधर जाओ फिर पास सारा काम सही हो जाए। मार्केट सुबह शाम तक ऐसी समस्या हुआ नहीं, छोरो न्यू कर दियो, बेटे न्यू कर दियो, पोते न्यू कर दियो, फलाना यू कर दियो, वो कर दियो, कहीं सुधारो ने दिमाग में एक ही बात आओ तू सुधर जाए, आप सुधर जाना सर, अपनी भाषा अपनी वाणी अपनो व्यवहार वो सुधर जाओ ना, और इतना कोई सुधरोड़ा होता तो फिर परमात्मा जो ना ऐसी कृपा कर दो अपना चरण पूजती जनता जी। आज महाराज जी के लिए अपन सब समर्पित होगी, जो ना लंबा लेट के भी जो ना प्रणाम करा और सब के भी जो ना उनका चरण में सारी प्रार्थना अपना बताऊ, तहिया ही जो ना परमा सुधरता ही आपने सारा संसार बदल दिया, विचार बदलिया ने और सब कुछ बदले उन्हें, बिचारा की उलझन है और कोई उलझन को नहीं है, बिना बात की जो कल्पना कर रहे बिना बात की जो उन्हें दिखता पैदा कर लेने उनको कठिन राजी को नहीं। अब आप बहुत आराम से महाराज जी की बात सुन जा रहे हैं, जो ने उनका चरणा में बैठे हैं हम एकदम हृदय गदगद है, अरे जोरा मर्दी यूं कर ले मुड़ो या छाछ पड़ जाए तो, मतलब बिना बात की कल्पना बिना बात को दुख है हो पड़ जाए की इलाज से, दो बार दिमाग में चार बार दिमाग में याद आ जाएगा भाई महाराज जी ठीक ही करेगा तो एक सेकंड में समाधान है, और नहीं तो 5-10 बार आए ने भागनो पड़े और गेट रहे को छोटो टक्कर टक्कर बोलते इतनी बेचैनी हो जाए बोली मार जा पड़े नहीं पड़े तो पता की बात है, बिना काम की जो है ना उलझन पैदा कर ले यूं हो जाएगी तो क्या करना, यूं हो जाएगी तो क्या करना, अरे बा होने तो दे पहली जो ना खूब प्रसन्नता। गुरु महाराज जी जो ना हमेशा हम तो प्रसन्न देखा, उनको जैसी परेशानियां शारीरिक थी इतनी जो ने इतनी कठे भी कौन देखी, कदे भी स्वस्थ कौन देखा मतलब जो ना, पर कदे स्वस्थ देखे तो परवाही कौन करी, कदे भी जीवन में जो सुख सुविधा की जो ने छह मन्ना को आटो कितनो है छह मन्ना, 10 दिन को आटो जो है ना राख के फिर पास हमें वो उनके एक कुत्ता की जीभ का थोड़ी सी तुड़ी भर के लगा दो एक सेकंड बिना खेल जाओ जहर हो जाओ है। गुरु महाराज जी बताया था अगर लगा जो ना आटो लगाता ना तो मैं पानी डालता तो नीला बुलबुला निकलता, नीला बुला बुलबुला जहर में निकले हैं, जय सांप खा जाए ना आदमी ने जहर चलता ही हो शरीर बदल जाए नीलो हो जाओ शरीर, और जद जो हजम हो जाता उन्हें तो दौरा शुरू हो जाता और नहीं भाई उल्टी पड़ जाती, पर यह ही सोचता परमात्मा की दिखे को नहीं कि बचपनों थो मेरे सारी बात समझ कौन सा गया। जयपुर में जयपुर से आया एक दिन जो है और आता आता जो है कोट पुतले के कनेसी जो है आ गया,
तब तक या एक ही प्रार्थना रखी कि महाराज जी कहीं भी एक बार भगवान ने आकर ठीक कर दो, एक बार वो कह दे मतलब खूब जिद करी, खूब गैल करी, खूब वो करी मोड़ कर आया ना गणपणी वाला मोड़ कर जब यूं उठ के जोर से बोले बोले कद पावटा की को नहीं कही भगवान ने, भगवान ने दिखा को नहीं की, भगवान कही तो उन्हें जा जो नहीं जान तो है घट घट की जान नहीं है वो, उन्हें कठे जरूरत है हमारी बाहू की लुट्टी है, हम तो उनका हाथ पकड़ लो ना। तो साहब जो ने उनको जीवन का बारा कल्पना करा है सोची, कोई भी कठिन परिस्थिति संसार की भगवान में बाधक को नहीं, कोई भी संसार की गरीबी है जो ना बस भगवान में बाधक को नहीं, कोई भी रोग है ना वो भगवान में बाधक को नहीं, भगवान में बाधक वो मणिराम है। मणिराम ने जो है ना वो कर लियो सही कर लियो ठीक है तो सब क्या में मौज है। गुरु महाराज एक जो ना वो सुनाया करता आगे राजी है तेरी रजा में, परमात्मा तेरी राजी में रजा, तेरी रजा में राजी हाँ, और बोले यूं भी यूं, यूं भी वाह हुआ तो यूं भी वाह हुआ, कौन सा तरीका से लागो वाह वाह में हाँ, गरीबी में रखो, अमीरी में रखो, परिवार में रखो, जंगल में रखो, कठे भी रखो, पर तारी शरण में मारो मन रहे और तारा चरणाम जो ने यही प्रार्थना विनती है कि हमने सदबुद्धि मिले सदविचार मिले।